स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो दूसरी तरफ कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले आजम खान हैं। दोनों ही इस वक्त टिकट बांटने को लेकर एक दूसरे से उलझे हुए हैं। आखिर चल क्या रहा है समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में, देखते हैं। जेल में बंद आजम खान से अखिलेश की मुलाकात और फिर रामपुर और मुरादाबाद पर बात के बाद जो तस्वीर आई उसमें सिर्फ कंफ्यूजन और कंफ्यूजन है, क्योंकि सीट दो कैंडिडेट चार के बीच शुरू हुई सियासी तकरार में नामांकन के आखिरी वक्त तक सस्पेंस बना रहा। मुरादाबाद में कंफ्यूजन, पहले एसटी हसन का नामांकन, अब रुचि वीरा का नामांकन। यानी जो एसटी हसन कल तक मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे, टिकट मिलने पर बदला लेने की बात कर रहे थे, अब उनको मुरादाबाद में ही चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आजम खान का प्रेशर और अखिलेश से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया। ऐसे में सवाल है कि आखिर रुचि वीरा कौन है। तो आपको बता दें कि वो आजम खान की करीबी मानी जाती है। रुचि वीरा बिजनौर से एमएलए रह चुकी हैं। 2014 से 2017 के बीच विधायक रही थी। 2023 में डीएसपी से एसपी में शामिल हो गई और अब मुरादाबाद से टिकट मिलने के बाद वो सपा नेता एसटी हसन के समर्थकों के निशाने पर आ चुकी हैं। तो दूसरी तरफ रामपुर सीट पर भी काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि अखिलेश यादव आखिरी वक्त तक ये तय नहीं कर पाए कि आजम खान का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है, क्योंकि पहले आजम के करीबी आसिम रजा का नाम सामने आया तो अब नदवी का नामांकन हो चुका है। यानी जेल में बंद आजम खान के साथ रामपुर में खेल हो गया और अखिलेश यादव कंफ्यूजन में ये तक तय नहीं कर पाए कि इस उधेड़बुन में उनका स्टैंड क्या है। खैर, मुरादाबाद से आजम खान की करीबी रुचि वीरा और रामपुर से मोहिबुल्लाह नदवी का नामांकन हो चुका है। जी मौलाना साहब, रामपुर से आज आपने नामांकन किया है, किस पार्टी से किया, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी से किया है और समाजवादी पार्टी की तरफ से ही जो है हमने जो है वो उसी की तरफ से नुमाइंदे वो बता दिया, हमने कई बार बता दिया। अच्छा, ये बताइए क्या मुद्दे आपके रहेंगे? मुद्दे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के रहेंगे, इंसानियत के रहेंगे। अच्छा ये बताइए, आपने आपको जो यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत थी इस बात की कि मोहब्बत का पैगाम जाए, अरे रोक लो यार, और आपस में जोड़ने का पैगाम जाए। मैम, एसटी हसन साहब ने भी अपना नामांकन कल कराया है। देखिए, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, मेरे बड़े भाई हैं, बस इतना ही कहना। तो मैम, क्या एसटी हसन साहब का टिकट कट चुका है? आप उनसे पूछिए ना। पार्टी आला कमान ने आपको क्या मैसेज दिया, आपसे क्या कहा गया? आप समझते ही होंगे कि मैं पर्चा दाखिल करने आई हूँ, तो कुछ लेके ही आई हूँ। दरअसल आजम खान जेल में है, लिहाजा इस बार रामपुर सीट को लेकर भी सपा में काफी असमंजस की स्थिति नजर आई। आजम खान समेत रामपुर के एसपी नेताओं ने मांग रखी थी कि अखिलेश यादव खुद यहां से लड़ें, लेकिन अखिलेश इस बात से राजी नहीं हुए। खबर ये भी आई कि आजम खान के करीबी आसिम रजा ने पर्चा खरीद लिया, लेकिन फिर मोहिबुल्लाह नदवी का नाम सामने आ गया। यानी एक तरफ मुरादाबाद में अखिलेश की सिरदर्दी बढ़ी हुई थी, तो दूसरी तरफ रामपुर में आजम खान का दबाव था, जो अब भी अखिलेश को परेशान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। लोकसभा चुनाव की गूंज आज से शुरू हो गई है। आज पहले दौर के नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। प्रथम चरण के मतदान के लिए 131 प्रत्याशियों ने 179 नामांकन किए। हालांकि 30 मार्च तक ये प्रत्याशी नामांकन वापस भी ले सकते हैं। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। खत्म हुआ पहले चरण का नामांकन। कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चला नामांकन का दौर। पहले चरण के चुनावी रण में उतरने से पहले कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गजों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया।
11 बजे ही दिग्गज नामांकन केंद्र पहुंचे और 3 बजे तक नामांकन किया। करीब 20 से ज्यादा उम्मीदवार निर्वाचन कार्यालय में पर्चा दाखिल करने पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर शहर की। इस सीट से कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाशियावास को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने मंजू शर्मा को मैदान में उतारा है। बीजेपी प्रत्याशी मंजू शर्मा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा प्रताप सिंह खाशियावास ने भी नॉमिनेशन फाइल किया। मंजू शर्मा ने नामांकन रैली भी निकाली। एक जनसभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए। उन्होंने दावा किया कि मंजू शर्मा 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगी। एक एक बूथ से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। 5 लाख वोटों से हमारी हर लोकसभा जीतनी चाहिए, लेकिन ये जयपुर में 5 लाख लागू नहीं होते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मंजू दीदी की जीत 8 लाख से ऊपर जयपुर शहर से होनी चाहिए, 8 लाख से ऊपर। बात अलवर की, जहाँ पर भूपेंद्र यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बाइक रैली के साथ कंपनी बाग पहुँचे, जहाँ जनसभा को संबोधित भी किया। हमारी केंद्र की सरकार में अपना दायित्व निर्वहन कर रहे राज्यसभा के सांसद और अलवर के प्रत्याशी सम्माननीय भूपेंद्र जी यादव का जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत और अभिनंदन करें, क्योंकि ये अलवर की जनता का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व आपके बीच में केंद्र ने हमको और आपको भेजा है। नामांकन के आखिरी दिन जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। बात बीकानेर लोकसभा सीट की करें तो बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने पार्टी दिग्गजों की मौजूदगी में अपना पर्चा दाखिल किया। यहां उनका मुकाबला कांग्रेस की गोविंद राम मेघवाल से होगा। गोविंद राम मेघवाल ने भी नॉमिनेशन के आखिरी दिन पर्चा भरा। बीडी कल्ला समेत कई नेताओं की मौजूदगी में वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे। दोनों नेता एक साथ नामांकन करने पहुंचे थे। इसके अलावा भरतपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली ने नामांकन किया तो कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाट्टा भी अपने समर्थकों के साथ पर्चा भरने पहुंची। वहीं अलवर से कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव ने भी पर्चा दाखिल किया। दौसा से बीजेपी प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा ने नामांकन किया तो दौसा से ही कांग्रेस प्रत्याशी मुरालीलाल मीणा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस के नरेश मीणा ने बगावत कर निर्दलीय पर्चा भरा है। दौसा में नरेश मीणा की एंट्री के बाद जो पूरा मुकाबला है वो काफी रोचक और त्रिकोणीय नजर आ रहा है। नरेश मीणा हमारे साथ हैं। सर, आप बारा छपड़ा से इतनी दूर आकर चुनाव क्यों लड़ रहे हो और क्या आपको लग रहा है, क्योंकि आप 5 दिन पहले ही पार्टी में वापसी भी की थी आपने कांग्रेस में। देखो, मैंने छपड़ा से टिकट मांगा था, टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव लड़ा जनता के आधार पे। जिस तरह से मुरारीलाल मीणा ये कह रहा था मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो कह रहा था मेरे को पैसा दे पार्टी तो मैं चुनाव लड़ूं, और पार्टी ने ऐसी क्या मजबूरी थी पार्टी की कि जो आदमी बीमार था टिकट नहीं मांग रहा था उसको टिकट दिया, और मेरे जैसे युवा जो संघर्ष कर रहा पार्टी जो उनकी पार्टी का काम करना चाहे उसको टिकट में नजरअंदाज किया। मैं देख रहा हूँ कि हमेशा मेरे जैसे युवाओं को जिनके माँ बाप मंत्री नहीं है, एमएलए नहीं, जो राजनीति में नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पार्टियां दरकिनार करती है। मैं उन हजारों युवाओं की आवाज बनने नामांकन भरने आया हूँ। चुरू से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कस्वा ने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन फाइल किया। चुरू में उनका मुकाबला बीजेपी के देवेंद्र झाझड़िया से होगा। पहले चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। अब 28 मार्च तक नॉमिनेशन फॉर्म की जांच की जाएगी और 30 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। पहले चरण में जिन 12 सीटों पर मतदान होगा उनमें श्रीगंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, भरतपुर, दौसा, अलवर, करौली, धौलपुर, नागौर शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। अरविंद केजरीवाल को आज एक और बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की तमाम दलीलों को भी रद्द कर दिया गया है। ये इस रिपोर्ट में देखते हैं। पूरे देश से थाली भिजवा दी, चम्मच थाली, सारा देश बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा करो ना। जो अरविंद केजरीवाल कोरोना काल में थाली बजाने को लेकर देशवासियों और प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि क्या थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा, आज जब वो 338 करोड़ के दिल्ली शराब घोटाले को लेकर ईडी की हिरासत में हैं, तो उन्हीं की पार्टी के नेता थाली बजाकर दिल्ली की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल के गिरफ्तारी को लेकर विरोध जता रहे हैं।
दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आप कार्यकर्ताओं के साथ थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया और केजरीवाल को रिहा करो के नारे लगाए। विडंबना यह है कि लालू यादव जैसे नेताओं को अरविंद केजरीवाल कभी भ्रष्टाचारी बताते थे, लेकिन आज वो न सिर्फ उनके साथ हैं, शराब घोटाले में घिरने के बाद वो पूरी तरह से लालू यादव के पद चिन्हों पर चलते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष 1997 में चारा घोटाले में जब लालू यादव को आरोपी बनाया गया तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लालू यादव ने जेल जाने पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज जब केजरीवाल जेल में हैं, तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की मुख्यमंत्री बना सकते हैं। केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं और दोनों ही बार उन्होंने उसी कुर्सी पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें बैठकर खुद अरविंद केजरीवाल पीसी करते थे। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। इस पृथ्वी पर मेरा जीवन ही संघर्ष के लिए हुआ है। आज तक बहुत संघर्ष किए, आगे भी मेरी जिंदगी में बड़े बड़े संघर्ष लिखे हैं, इसीलिए ये गिरफ्तारी मुझे अचंभित नहीं करती। उन्होंने कहा है मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। आंखें बंद करो, मुझे अपने आसपास महसूस करोगे। लालू यादव, हेमंत सोरेन जैसे कई नेताओं ने जेल जाने से पहले सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाले अरविंद केजरीवाल देश के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने जेल जाने के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। ये वही केजरीवाल हैं जो कहते थे कि जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन आज जब वो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं, तो जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। वीके सक्सेना ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जेल के अंदर से सरकार नहीं चल सकती, जिसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है और उनके इस्तीफे की मांग की है। जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में है और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंग पिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मैं ये पूछता हूं, कहां गई अरविंद केजरीवाल की नैतिकता? अनैतिक कार्य तो किए ही, नैतिकता की दुहाई देने वाले जो कल तक कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, दो दिन रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। बीकानेर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट हो चुकी है, दो लोगों के पास से बताया जा रहा है 10 लाख की नकदी बरामद की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि डीएसटी और सदर थाना पुलिस ने मिलकर ये कार्रवाई की है, हवाला की राशि होने की आशंका जताई जा रही है, 10 लाख रूपए कैश बरामद हुआ है, इसको लेकर यही कहा जा रहा है। पुलिस दोनों पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है, डीएसटी कांस्टेबल लखविंदर सिंह की इस दौरान विशेष भूमिका रही। भुट्टो के चौराहे पर यह कार्रवाई की गई है जहां पर 10 लाख कैश पकड़ा गया। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए नरसंहार के बाद हत्यारों की तस्वीरें सामने आई हैं।
पूछताछ में हमले के पीछे कई देशों के कनेक्शन भी सामने आए हैं। पूरा मामला रिपोर्ट में। कमर सीधी नहीं कर पा रहा पकड़ा गया आतंकी, चेहरा सूजा हुआ है, हाथ में हथकड़ी और शीशे के कमरे में बंद। दूसरे आतंकी को देखिए, इसे व्हीलचेयर पर बैठाया गया है। घिनौने कृत्य के बाद चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक तो नहीं, कुल 11 लोगों को रूस की सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 सीधे तौर पर रक्त का दरिया बहाने के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने सबका बदला लेने की कसम खाई है, लेकिन सवाल है, मॉस्को में हमले के जिम्मेदार ये आतंकवादी किस देश के हैं? किसने भेजा इन आतंकियों को मॉस्को को जला डालने के लिए? किसने दिए इन आतंकवादियों को हथियार? किसने दी हथियार चलाने की ट्रेनिंग? और किसने दिए इन आतंकवादियों को $10,000? मौत के इन सौदागरों के पीछे हाथ किस देश का है? इन सारे सवालों के जवाब अभी हवा में तैर रहे हैं। रूस की सुरक्षा एजेंसी FSB एक्शन में है। FSB ने जिन आतंकवादियों को पकड़ा है, उनके पास से जो चीजें बरामद हुई हैं, वो 4 देशों से इनका कनेक्शन स्थापित करती हैं। मॉस्को में मौत की सुनामी के पाकिस्तान कनेक्शन की जांच, आतंकियों के पास से मिला ताजिकिस्तान का पासपोर्ट, तुर्की में आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलने का शक, रूस ने कहा यूक्रेन का लिंक पक्का है, अमेरिका ने आतंकवादी हमले के पहले आगाह किया था, 133 मौतों का 5 देशों से कनेक्शन का सच क्या है? पाकिस्तान आतंक की नर्सरी है, ये जग जाहिर तथ्य है, लेकिन क्या पाकिस्तान के आतंकी मॉस्को में हुई मौतों के जिम्मेदार हैं? इंटरनेट पर ऐसी कई खबरें हैं जो मानती हैं कि पाकिस्तान के आतंकवादियों का मॉस्को की मौतों से सीधा रिलेशन है। सूत्रों के मुताबिक रूस को आतंकी हमले के साजिशकर्ताओं को प्रभावित करने में पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। मध्य एशिया में बढ़ रही चरमपंथी गतिविधियों में पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की की भूमिका सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक ताजिकिस्तान में कुछ युवाओं को पाकिस्तान के मदरसों में कट्टरपंथ की ट्रेनिंग मिली है। ये युवा आतंकवादी संगठन ISIS का हिस्सा बन गए हैं और इस समय तुर्की इन्हें पनाह दिए हुए है। मॉस्को हमले की जांच कर रही रूसी एजेंसियों ने भी हमलावरों के तुर्की कनेक्शन का जिक्र किया है। संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट में कहा गया है कि हमलावरों को एक ताजिक मुल्क के चरमपंथी ने भर्ती किया था। इन्हें हमले का आदेश तुर्की में एक सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से मिला था। हमले के बाद इसकी यूक्रेन के रास्ते तुर्की जाने की योजना थी, जहां इन्हें ISIS KP के पास पहुंचाया जाना था। मॉस्को में मारे गए 133 से ज्यादा मासूमों की मौत का, 150 से ज्यादा जख्मी लोगों का, पूरे रूस को थर्रा देने में पाकिस्तान के आतंकवादियों की भूमिका कितनी है, इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा है तो भारत को भी सजग, सावधान और सचेत रहने की बहुत जरूरत है। लेकिन अभी तो मौत के बाद मॉस्को में पसरे सन्नाटे की तस्वीरें, उनकी रिपोर्ट, जिन्होंने आतंकी हमले में अपनों को खोया है। Шокированы тем, что происходило. Литр 100 воды, немножко там еды, салфеток. И люди, когда увидели, что мы принесли гуманитарную помощь, кто был на машинах, поехали в ближайшие магазины и просто все там скупили, начиная от воды, заканчивая медикаментами, и все привезли сюда. Москва में ये अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। रूस सन्न रह गया है। और आइए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें।